हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के हवाले से आज की हमारी ये जो है तीसरी थर्ड लेक्चर है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स बैकग्राउंड एंड एप्लीकेशन के हवाले से। ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर हारून इदरीस की, और प्रेजेंट करने वाला आपके सामने शाहजेब मुगैरी, PhD स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगुदा से। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं, आपके सामने पेश करदा तस्वीर को आप देखें कि इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से काम करता है, जिसमें सबसे पहले आप देखें कि ऊपर एक जो है सेंटर पर बिल्कुल आप देखें तो फाइल सर्वर डेटाबेस इटसेल्फ इज अ सिस्टम। दूसरा, सीरियल मैनेजमेंट भी इसी में की जा रही है, लाइब्रेरी का स्टाफ सीरियल मैनेजमेंट इसी में कर रहा है। रेफरेंस सर्विसेज भी इसी के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, कैटलॉगिंग भी इसी में की जा रही है, सर्कुलेशन हो गई, आपकी एक्विजिशन हो गई। अब ये सारी की सारी चीज़ें लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस के थ्रू, एक यूज़र या एक से ज़ायद यूज़र्स की तरफ पहुंचाई जा रही हैं, जिनमें आप लेफ्ट साइड पर देखें तो लाइब्रेरी स्टाफ मौजूद है, और राइट साइड पर देखें तो आपका यूज़र्स मौजूद है, और सेंटर पर आप देखें तो ये आपका जो है एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसे इंटरेक्ट कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इसे इंटरेक्ट कर रहा है, और ये सिस्टम बीच में ब्रिज बना के जो है दोनों को आपस में जो है रिलेट कर रहा है। उसके बाद जनरल फीचर्स की हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम्स, जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, उनके जनरल फीचर्स की हम बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनके लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, ये सिस्टम्स ऐसे होते हैं, अगर जो है आप फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सिस्टम्स विंडोज पर भी चलते हैं, लाइनक्स पर भी चलते हैं, मैक पर भी चलते हैं, एंड्रॉयड सिस्टम्स पर भी चलते हैं, या इसी तरह से और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास तो ये सिस्टम्स उन पर भी चल सकते हैं। ये इनका जनरल फीचर्स है, जिन जो यानी कि आपके पास मॉडर्न सिस्टम्स मौजूद हैं, ये उन मॉडर्न सिस्टम्स पर आपके इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑपरेट हो सकते हैं और होते भी हैं। डेटाबेस सिस्टम्स इनके लिए क्या होते हैं, ओरेकल जो मॉडर्न लैंग्वेजेस में डेवलप करता डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं, ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं उन पर बेस करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए जो है उन पर मुश्तमिल होते हैं। ओरेकल हो गया, इन्फॉर्मेक्स हो गया, MS SQL हो गया, माई सिक्वेंशियल लैंग्वेज जो है आपका डेटाबेस हो गया उस पर काम करता है, MS Access, और इसी तरह से और जो आपके मॉडर्न सिस्टम्स होते हैं, डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं, ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स अपनी डेटा को होल्ड करने के लिए इन्हीं का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर्स जो आपके पास बने बनाए होते हैं, जिनमें डेटा सर्वर्स दैट स्टोर डेटा, आपके डेटा सर्वर्स जैसे आपके क्लाउड्स हो गए, आपके जो है दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो उनके पास डेटा सर्वर्स होते हैं उन्हीं पर ही ये काम करते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स दैट यूजेस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, जो हम आम तौर पर इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं टू कम्युनिकेट एक्सेस नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड वाइड एरिया नेटवर्क्स पर, यानी कि ये जो मॉडर्न सिस्टम्स होते हैं ये हमारी मौजूदा जो आर्किटेक्चर्स और मौजूदा जो सिस्टम्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, ये इन्हीं पर ही बेस करते हैं और इन्हीं पर ही काम करते हैं। उसके बाद फंक्शनल मॉड्यूल्स की जब हम बात करते हैं, बेसिक मॉड्यूल्स इनमें आ जाते हैं, जैसे कैटलॉगिंग हो गया, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग हो गया, और सर्कुलेशन हो गया, इनमें एड ऑन जो है फंक्शंस होते हैं, जैसे एक्विजिशन हो गई, सीरियल कंट्रोल्स हो गए, इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया, एंड वेब ओपिक्स जो होते हैं, ये जो है इनके फीचर्स में शामिल हैं। मॉडर्न जो आपके सिस्टम्स हैं इनमें जैसे कोहा हो गया आपका, ग्रीन स्टोन हो गया, और इसी तरह से जो आपके डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स हो गए या आपके जो हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं वो आपके उनमें जो हैं जनरल फीचर्स यही पाए जाते हैं। यूजर इंटरफेसेस इनके जो होते हैं ये ग्राफिकल होते हैं, इज नॉर्म फॉर करंट सिस्टम बिकॉज यूजर्स फाइंड इट इजियर टू वर्क विद एंड इट अलाउज एंड वाइड रेंज ऑफ
वाइड रेंज टू टास्क टू बी अकम्पलिश्ड विद अ कम्प्लीट एंड अ मार्क्स। अब आप देखें कि ये जो है इजी तरह से आपके यूजर्स इनके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये ग्राफिकल गोफर सिस्टम पर मबनी होते हैं, ग्राफिकल सिस्टम पर मबनी होते हैं और ग्राफिक्स में हर चीज प्रोवाइड करते हैं। आइकन्स वगैरह हो गए आपके, आपका जो टेक्स्ट हो गया या आपके जो भी फंक्शंस वगैरह हो गए उनके बटन, सारे के सारे ये ग्राफिकल सिस्टम्स में और यूजर इंटरेक्शन को यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करते हैं, जैसे लाइब्रेरी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं, मार्क हो गए, डबलिन कोर हो गए, Z39.50 आपके जो प्रोटोकॉल्स हो गए उनको, या मॉडर्न और तरह के प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो ये जो आपके सिस्टम्स होते हैं ये उन्हीं पर ही बेस करते हैं और उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, और ये यूजर फ्रेंडली भी होते हैं और स्टाफ फ्रेंडली भी होते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो मौजूदा दौर में मौजूद हैं, इनके जो है जनरल फीचर्स होते हैं। उसके बाद आप देखें कि किस तरह से ये काम करते हैं, पीसीज इन लोकल एरिया नेटवर्क, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, अब ये जुड़े हुए हैं बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस के साथ, और फिर आपके बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस जो हैं ये इंटरेक्ट कर रहे हैं वेब सर्वर के साथ, वेब सर्वर्स, फिर वेब ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस के साथ, और उसके बाद जो आपके पीसीज हैं कनेक्टेड टू इंटरनेट, जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, ये आप देखें कि किस तरह से एक इंटीग्रेशन बनी हुई है इन सिस्टम्स की, जो आपस में मिलकर यूजर्स को सहूलत प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस को मुमकिन बनाते हैं, और आपके जो लाइब्रेरी स्टाफ है उसको भी फैसिलिटेट करते हैं कि आपके जो बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हो या हाउसकीपिंग हो उसको देखें किस तरह से डेटाबेसेस जो है हम डेटा को स्टोर करते हैं, फिर इंटरनेट के जरिए हमारे यूजर्स इन तक एक्सेस हासिल करते हैं और फिर इनसे जो है इस्तफादा मुस्तफीद हो पाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।